by YGS. Today's my topic is functional group. Organic chemistry में हमारे पास क्या होता है कि हम पढ़ते हैं अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन्स जो कि हमारी होमोलोगस सीरीज होती है. जब हम होमोलोगस सीरीज को पढ़ते हैं तो हम कहते हैं होमोलोगस सीरीज बेसिकली एक ही टाइप के कुछ सीरीज होती है जिसमें हमारे पास स्ट्रक्चर CH2 बढ़ता है और बढ़ने के बाद जो है वो चेंज होता रहता है, उसका नाम चेंज होता है, उसके फंक्शन, उसकी प्रॉपर्टीज चेंज होती रहती हैं. ठीक है, यानी कि एक सीरीज चलती रहती है. अब जब हम पढ़ते हैं होमोलोगस सीरीज में कि डिफरेंट हमारे पास सीरीज पाई जाती हैं, ठीक है, वो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप की वजह से बनती हैं. फंक्शनल ग्रुप बेसिकली होता क्या है, अगर बाई डेफिनेशन हम इसकी बात करें तो एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम दैट गिव्स अ मॉलिक्यूल इट्स करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज. भाई कोई भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो किसी भी अल्केन, अल्कीन या अल्काइन चेन पर लग कर उसको बदल दे, उसको चेंज कर दे, उसकी प्रॉपर्टीज को चेंज कर दे, वो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप कहलाता है. ठीक है, कोई भी ग्रुप जो अल्केन पर, अल्कीन या अल्काइन पर आकर लग जाए, अब उस हिसाब से हमारे पास डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं. ठीक है, कुछ हमारे पास कहलाते हैं ऑक्सीजन कंटेनिंग हाइड्रोकार्बन्स के फंक्शनल ग्रुप, यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के. और कुछ हमारे पास ऐसे भी होते हैं जिसमें अमाइंस भी पाए जाते हैं, यानी नाइट्रोजन भी पाया जाता है. यहाँ हम फोकस करेंगे किसको, हम फोकस करेंगे जिसमें हमारे पास कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद होते हैं. चले हम अपने फंक्शनल ग्रुप की तरफ बढ़ते हैं. हमारे पास सबसे पहले हाइड्रोक्सिल ग्रुप आता है. हाइड्रोक्सिल ग्रुप किस तरीके से होता है, OH और साथ में हमारे पास यह R चेन. अच्छा, यहाँ पर एक और बात भी बता दी चलूँ मैं, हमारे पास कुछ फंक्शनल ग्रुप होते हैं जो अल्केन चेन के टर्मिनल पर ही आकर लगते हैं, वो मैं साथ साथ बताती रहूंगी. और कुछ ऐसे होते हैं जो टर्मिनल पर भी लग सकते हैं और हमारे पास सेंटर कार्बन पे भी लग सकते हैं, यानी दोनों कार्बन पर हमारे पास जो है वो लग सकते हैं, कहीं पर भी एडजस्ट हो सकते हैं किसी भी कार्बन पर. अगर इसकी बात करें अल्कोहल ग्रुप की, हमारे पास हर कार्बन पर लग सकता है. अब जैसे इसकी एक एग्जांपल है, देखिए कहीं पर भी ये R देखे ना, इसका मतलब हमारे पास अल्काइल चेन की बात हो रही है, यानी कि हमारे पास अल्केन, अल्कीन या अल्काइन जिसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दिया गया हो उसकी बात हो रही है. और ये फंक्शनल ग्रुप भी अगर आप बात करें, फंक्शनल ग्रुप बेसिकली एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर कर ही आता है. जैसे फर्स्ट के तौर पर हमारे पास ये जो OH लिखा हुआ है यहाँ पे, अगर ये OH ना लिखा हुआ होता, ये होता CH3CH3, यानी एक और H होता, तो ये हमारे पास होता बेसिकली अल्केन. अल्केन तो होता है लेकिन अल्केन का इथेन होता है ये. ठीक है, लेकिन इस इथेन की एक हाइड्रोजन हटी और उसकी बजाय ये फंक्शनल ग्रुप आगे लग गया अल्कोहल, तो ये हमारे पास बन गया इथाइल अल्कोहल. ठीक है, इनके भी आयुपैक नॉमेनक्लेचर्स होते हैं जो हम आगे फर्दर इसको जो है वो शेयर करेंगे जब हम उस तक पहुंच जाएंगे. ठीक है, तो बेसिकली फिर उसके बाद हमारे पास एक आता है एल्डिहाइड ग्रुप. देखिए भाई, एल्डिहाइड ग्रुप हमारे पास टर्मिनल ग्रुप है. टर्मिनल का मतलब ये है किसी सेंटर कार्बन पर नहीं लगता, ये हमारे पास टर्मिनल पर ही लगता है, ये दोनों पर लग जाता है, ये सिर्फ टर्मिनल पर. अब इसकी एक एग्जांपल है, अगर इस R की जगह पर हम एक मिथाइल लगा दें, भाई मीथेन होता है CH4, इस CH4 में से एक हाइड्रोजन निकल गई, ठीक है, और उस हाइड्रोजन को रिप्लेस किया किसने, इस फंक्शनल ग्रुप ने, तो ये हमारे पास बन जाता है एसीटल्डिहाइड. ठीक है, इसके भी हमारे पास नॉमेनक्लेचर होते हैं जो हम फर्दर स्टेप बाय स्टेप बढ़ते चले जाएंगे. चलिए भाई, कीटोन आता है. कीटोन हमारे पास जो है वो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ सेंटर्ड कार्बन है, यानी कि ये सेंटर कार्बन पे लगता है, ये टर्मिनल पे नहीं लगता. जैसे मैंने कहा, ये टर्मिनल पर भी लग सकता है, सेंटर पे भी लग सकता है, ये सिर्फ टर्मिनल पे लगता है और ये सिर्फ सेंटर कार्बन पर ही लगता है, क्योंकि इसके दोनों तरफ चेन होती है. यहाँ तो मैंने एग्जांपल बताई है डाइमिथाइल एसीटोन की, क्योंकि हमारे पास इस तरफ भी मिथाइल ग्रुप लगा, इस तरफ भी. जरूरी नहीं है दोनों तरफ सेम ही हो सकता है इस तरफ इथाइल हो और इस तरफ मिथाइल हो, तो इसका नेम चेंज होता रहता है. ठीक है, तो फिलहाल ये हमारे पास डाइमिथाइल एसीटोन है. अगर फर्स्ट तौर पे एक तरफ इथाइल होता तो हम कहते हैं ये इथाइल मिथाइल एसीटोन है, या एक तरफ प्रोपाइल होता तो हम कहते हैं ये प्रोपाइल इथाइल एसीटोन है. ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है कार्बोक्सिलिक एसिड. ये हमारे पास टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है, सिर्फ टर्मिनल पर ही आकर लगता है. ठीक है, अब यहाँ पर कोई भी चेन लग सकती है, जैसे यहाँ पर एक सिंपल चेन मिथाइल की लगाई है, तो ये बन जाता है CH3COOH,
एसिटिक एसिड, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद ईस्टर आता है हमारे पास। ईस्टर भी हमारे पास जो है वो सिर्फ सेंटर कार्बन होता है, सेंटर कार्बन पर लगता है, ये टर्मिनल पर नहीं लगता, ठीक है। इसमें यहाँ पर भी एक चेन आती है, यहाँ पर भी, तो ये बन गया हमारे पास। अगर हम इसकी सिंपल एग्जाम्पल देखें तो यहाँ भी मिथाइल, यहाँ पे भी मिथाइल, तो डाइमिथाइल एसीटेट। वही बात है, जरूरी नहीं है दोनों तरफ सेम ही लगे, एक तरफ इथाइल एक तरफ मिथाइल भी लग सकते हैं, यानी एक तरफ बड़ी चेन और एक तरफ छोटी चेन भी लग सकती है। मकसद सिर्फ यह कि कार्बन की चेन लगनी है। इसके बाद आता है ईथर। ईथर भी हमारे पास सेंटर है, यानी कि बेसिकली अगर आप देखें सिर्फ ऑक्सीजन कंटेनिंग ही है। इसके दोनों तरफ हमारे पास क्या चीज मौजूद होती है, कार्बन की चेन, और यह खुद कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, सिर्फ ऑक्सीजन कंटेनिंग। तो ये भी हमारे पास जो है वो बेसिकली आपको पता है सेंटर ही हुआ, क्योंकि इसके दोनों तरफ हमारे पास है। अब यहाँ पर भी अगर हम सिंपल चेन लगाएं एक एक कार्बन की, तो ये बनता है डाइमिथाइल ईथर, डाइमिथाइल ईथर। अब अगर वैसे अगर देखें तो ये मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, और वैसे डाइमिथाइल ईथर, और जरूरी नहीं है कि ये दोनों ही हमारे पास जो है वो एक ही लगे, यानी कि हो सकता है एक तरफ इथाइल एक तरफ मिथाइल, या किसी तरफ ब्यूटाइल और किसी तरफ प्रोपाइल लग जाए। तो ये बेसिकली उस हिसाब से हम इसे नेम देते हैं। फिर हमारे पास लास्ट आता है हेलाइड। ये टर्मिनल पर भी लगता है और सेंटर पर भी लगता है, ये हमारे पास हेलोजेंस है। अच्छा, हेलोजेन में भी हमारे पास क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, ये तीन, फ्लोरीन भी होता है हमारे पास, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारे पास हेलोजेंस हैं जो किसी भी अल्केन चेन पर आकर लग जाते हैं। जैसे यहाँ इथेन में से एक हाइड्रोजन निकली और क्लोरीन ऐड हो गया, तो ये बन गया इथाइल क्लोराइड। अगर ब्रोमीन अटैच होता तो ये बनता इथाइल ब्रोमाइड। तो बेसिकली ये हमारे पास जो है वो इस तरीके से इसके भी नॉमेनक्लेचर्स यानी आईयूपैक नेमिंग सिस्टम जो है वो चलती है। सो आई होप ये फंक्शनल ग्रुप आपको समझ में आए होंगे कि किस तरीके से जो है वो हमारे पास मौजूद होते हैं। अगर तो इससे रिलेटेड कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अगर ये आपको अच्छी तरीके से समझ आ गए तो इसे अपने क्लासमेट्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। पढ़ाई पर फोकस करते रहिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्यूरी आपके पास हो तो आप हमें वो कमेंट के ज़रिए बता सकते हैं, ताकि आपकी वो क्यूरी भी दूर की जा सके। इसके अलावा हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन को साथ में ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आगे आने वाली मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिल सकें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।